जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं सोच रहा हूँ आज सभी भाई मेरे अच्छे होंगे जो मेरी वीडियो देखते हैं, धन्यवाद। आज अपने एक ऐसे सप्लीमेंट का चर्चा करेंगे जो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाता है। वो ऐसे नहीं, वो जिम करते हैं वही लेंगे, हम जो जिम नहीं करते उनको भी लेना ज़रूरी है। अपने बात करेंगे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के सबसे दो बड़े फ़ायदे क्या है, अपनी आँखों के, अपने हेयर के, अपने स्किन के, और जो अंदर अपने बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं, ज़रूरत होती है बॉडी को, उनको रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हम खाना से अब जो खाना खाते हैं उससे पूरा नहीं होती अपनी रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए हमें एक मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एक मल्टीविटामिन लेते हैं जो अच्छा बढ़िया ब्रांड हो और जो अपनी बॉडी के अंदर जितने विटामिन है और मिनरल्स है उनको पूरा करेगा। तो सबसे बड़ी बात समझने की ये है भी अपने मैक्रोज न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन इनके बारे में चर्चा करेंगे। मैक्रो न्यूट्रिशन में आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट मिलता है, ठीक है, वो अपने खाने द्वारा मिल जाता है, लेकिन उनमें विटामिन मिनरल्स लोग पूरे नहीं मिलते बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिशन के मामले में हम आते हैं, तो विटामिन्स और मिनरल्स इसके लिए हमें एक मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टीविटामिन अपने बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट करता है। तो आज मैं बताऊँगा, मैंने एक एटम का ये मल्टीविटामिन मंगाया, इसके अंदर 60 कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में है, आप देख सकते हो। तो मैं इसको 10-12 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा ब्रांड लगा है मुझे एजीटीज का ये, वैसे एटम इन्होंने न्यू निकाला है एटम नाम से। तो मैं सोच रहा हूँ आप इसके बारे में जो चर्चा करूँगा वो बता रहा हूँ भाई, मैंने इसको 10-12 दिन से लिया, मुझे ठीक बेनिफिट लगा है। रही बात सबसे बड़ी बेनिफिट इसका ये होता है भी मल्टीविटामिन जो भी है वो बॉडी के अंदर पूरा अब्जॉर्व होगा, बॉडी जितना अब्जॉर्व करेगी ज़्यादा उतना ही बेनिफिट होता है। अब मल्टीविटामिन क्या है, बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बचा हुआ है, जैसे मान लो 100% एक मल्टीविटामिन लिया अपने और उसमें 60% अपने एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने और बाकी बचा 40%, तो वो अपने पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, अभी ऐसा मल्टीविटामिन लें जो पूरी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब हो। इसके लिए तो मैंने ये चूज़ किया है, मैं ठीक लगा 10 दिन से, बाकी मुझे ठीक ठाक लगा है, इतना भी बेस्ट नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक है। मैं कोई इसका प्रमोट नहीं कर रहा या कोई इसकी ऐड नहीं कर रहा, आपको यही लेना है। बहुत मल्टीविटामिन है जिनमें डाइजेस्ट एंजाइम भी आते हैं उनको एब्जॉर्व करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ हर बंदा जो भी है, चाहे वो आप जो मर्जी ले सकते हो मल्टीविटामिन, जरूरी नहीं यही लेना आपको, कोई और भी ब्रांड लो, लेकिन अगर आप जिम कर रहे हो, जिम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको एक मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स अपने खाना जो खाना खाते हैं ना रोज़ उससे पूरा नहीं होता, उसके लिए हमें एक विटामिन की ज़रूरत होती है। इसके अंदर विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए है, B1 है, B12 है, और अपने मिनरल्स की बात करें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, लगभग टोटल सारे इसके अंदर है। जो स्किन सपोर्ट के लिए आपको इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई और बायोटिन, बायोटिन अपने जो हेयर है ना, हेयर बाल, उनके लिए सबसे जो काम करता है वो बायोटिन करता है, जो अपने बाल झड़ रहे हैं या वाइट हो रहे हैं उनके लिए बायोटिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर इसके अंदर बात करें तो पावर एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड, उसके अंदर अपने इसके अंदर मिलेगा अश्वगंधा, जिनसिंग, ग्रेप और पाइपरीन, यानी कुछ और अदर भी इन्ग्रेडियंट्स इसके अंदर डाले हुए हैं जो ठीक ठाक है। बाकी आप यूज़ करोगे, मैंने तो यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैं कोई इसको ऐसे नहीं कर रहा, आप यही लो और ब्रांड वो भी ले सकते हो, कि मैंने 350 रुपये का मंगवाया था, ऑफ़र चल रहा था, मैंने सोचा ये मंगा लूँ तो ठीक लगा। आप कोई भी ब्रांड यूज़ करो मल्टीविटामिन का, तो जितने मेरे भाई बिगनर है, ठीक है, चाहे वो 2 साल हो, 2 साल क्या, जैसे 6 महीने, 4 महीने हुए हैं उनको, हर बंदे को एक मल्टीविटामिन ज़रूरी है। अपनी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं विटामिन को पूरा करने के लिए हमें एक मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में फिश ऑयल आपके जोड़ हैं और हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी फिश ऑयल बहुत ज़रूरी है। मैं वैसे तो मैंने एक रिव्यू किया है मसल एक्सपी का, फिश ऑयल है उसका, मैं लगभग वही यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, सस्ता है और अच्छा। भाई साहब पैसों का बजट थोड़ा, बजट के मामले में देखें तो मैं यही उठा लेता हूँ, एटम हो गया और मसल एक्सपी का फिश ऑयल हो गया, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, क्यों कुल मिला के बढ़िया है। बाकी बहुत बड़े बड़े ब्रांड पड़े हैं उनको तो मैं यार कैसे यूज़ करूँ, क्योंकि पैसों की दिक्कत होती है ना, तो ये ठीक है और बढ़िया है। जय श्री राम।